तो भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स जंप इनटू इट फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर वन, साल था 1894 जब एक चर्च का प्रीस्ट नोटिस करता है कि आईसी रिवर के किनारे एक 4 से 5 साल का बच्चा नदी में डूब रहा है, तो वो उसे उस टाइम नदी में डूबने से बचा लेता है। लेकिन ये इतिहास की सबसे बहरहम दया मानी जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था, जो आगे जाके 50 से 60 लाख यहूदियों की डेथ का रीज़न बनता है। फैक्ट नंबर टू, भारत की आज़ादी के बाद ये बात तो तय थी कि भारत का बंटवारा होकर ही रहेगा, क्योंकि धार्मिक दंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद जिन्ना का। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कई बार जिन्ना को ये ऑफ़र दी थी कि वो इंडिया के पीएम बन जाए लेकिन वो इस बंटवारे को रोक दें। लेकिन जिन्ना तो जिन्ना है, इनका बस एक ही टाइटल था, मर कर लेंगे पाकिस्तान, लर कर लेंगे पाकिस्तान। इस वजह से ये बंटवारा अंत में हो ही गया। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, मुझे बताएं। हालांकि कई लोगों में एक मिसकंसेप्शन बहुत फेमस है कि नेहरू जिन्ना के पीएम ऑफ इंडिया बनने के अगेंस्ट थे, लेकिन ये काफ़ी हद तक गलत है। फैक्ट नंबर थ्री, शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा सिखों को इतिहास का सबसे सेक्युलर प्रिंस माना गया है, क्योंकि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था, और माना जाता है कि उनके एक हाथ में भगवद गीता और एक हाथ में कुरान होती थी। लेकिन इसके ओपोजिट दारा सिखों के भाई औरंगजेब बहुत ही क्रूअल प्रिंस था, इस वजह से शाहजहाँ नहीं चाहते थे कि दारा सिखों के बदले औरंगजेब राजा बन जाए। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब था, उसने अपने भाई दारा सिखों के साथ वॉर करके उसका सर कलम करवा दिया और वो खुद बन गया मुगल एम्पायर का नेक्स्ट सक्सेसर। और अगर दारा सिखों जीतते तो इतिहास हमारा आज कुछ और होता। फैक्ट नंबर फोर, यूनाइटेड नेशन जो आज पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने का काम करता है, उसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हैं चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके और रसिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो वीटो पावर चाइना के पास है, वो वीटो पावर सबसे पहले इंडिया को ऑफ़र किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को ऑफ़र किया गया था 1950 और 1955 में इंडिया को वीटो पावर ऑफ़र किया गया था, लेकिन नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया और नेहरू जी ने ये एंश्योर किया कि ये वीटो पावर चाइना को मिले। और ये मेरे हिसाब से नेहरू जी की लाइफ का बिगेस्ट ब्लंडर है, क्योंकि आज यही वीटो पावर चाइना इंडिया के खिलाफ में यूज़ करता है। फैक्ट नंबर फाइव, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमने एक चीज़ बहुत बड़ी नोटिस की है कि पाकिस्तान में लगातार हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होते आ रही है, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर साल 1000 जितनी हिंदू गर्ल्स का फोर्सफुल रिलीजियन कन्वर्जन कराया जाता है। और इसके ऑपोजिट हमारे इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, और इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी ग्रो कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारत धार्मिक एकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इंडिया में सभी प्रकार के रिलीजन मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए तो दोस्तों मैं कहता हूँ, मेरा भारत महान। हालांकि हमारे भारत में भी कई बार धर्म को लेकर दंगे देखने को मिले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ गिने चुने लोगों की शरारत का नतीजा है दोस्तों। तो भाई लोग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये हिस्ट्री के अमेजिंग फैक्ट्स की सीरीज़ कैसी लगी, ताकि मैं हिस्ट्री से और भी अमेजिंग फैक्ट्स चुन चुन कर आपके सामने आगे पेश कर सकूं। तो मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।